नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताजातरीन खबरों का। बिहार के सीएम नीतीश कुमार दशहरा से पहले नियोजित शिक्षकों को बड़ी सौगात दे सकते हैं। इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने आज सोमवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बंगाल के सिलीगुड़ी शहर से एक कारोबारी को दिल्ली बुलाया गया और साजिश के तहत उसका अपहरण कर घर वालों से फिरौती वसूली गई। वहीं आरोपितों को जब लगा कि अब उसका मकसद पूरा हो गया है तो उन्होंने अपहृत शख्स को अनजान जगह पर छोड़ दिया और फरार हो गए, जहां शिकायत के बाद IGI थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। पंजाब BJP के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखर ने भगवंत मान सरकार की हैरान कर देने वाली फिजूल खर्ची की आलोचना करते हुए कहा कि इससे राज्य वित्तीय आपदा के कगार पर पहुंच गया है, जहां मार्च 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार के सत्ता में आने के बाद सिर्फ 1.5 साल के अंदर 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज बढ़ गया है। वहीं कांग्रेसी नेता नवजोत सिंह सिद्धू बोले, ऐसे में 10 साल के अंदर कंगाल हो जाएगा पंजाब। आज पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय ताऊ देवीलाल की 110वीं जयंती है, जिसे लेकर चौटाला परिवार एक बार फिर से अलग अलग शक्ति प्रदर्शन कर रही है। जहां राजस्थान में राजनीतिक जड़ें जमाने की कोशिश में लगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सीकर में किसान विजय सम्मान दिवस रैली में दम दिखाएंगे, वहीं इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला कैथल में सम्मान रैली के बहाने दिग्गजों को एक मंच पर लाकर शक्ति दिखाएंगे। रैली में इनेलो के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला IND अलायंस में शामिल होने पर भी अपने पत्ते खोल सकते हैं। उत्तराखंड में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जहां रुड़की के नगर पंचायत कलियर में संविदा पर तैनात एक सफाई कर्मी की डेंगू से देहरादून के अस्पताल में मौत हो गई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग डेंगू से मौत होने से इनकार कर रहा है। वहीं अस्पताल में डेंगू से पीड़ित मरीजों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। झारखंड सरकार पर जमकर बरसे पूर्व सीएम और BJP नेता बाबूलाल मरांडी, कहा महाजनों से लड़ते लड़ते अब सौरेन परिवार खुद महाजन बन गए हैं। कोरापुट विशाखापट्टनम मार्ग पर भूस्खलन होने की बात सामने आई है, जहां भूस्खलन से रेल मार्ग बाधित हो गया है। इसके चलते विशाखापट्टनम से करंदुल और जगदलपुर तक चलने वाली कई ट्रेनों को कोरापुट में रोक दिया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, साथ में न्यूज़ को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम लोग उत्साहित होकर न्यूज़ एकत्रित करने में लग जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल के दौरे पर रहेंगे, जहां वे कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश में एक बार फिर से BJP को जिताने का गुर सिखाएंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज तीसरी बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वे बिलासपुर में एक बड़ी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है और लगातार सभी राजनीतिक दल के नेता यहां पर चुनावी सभा कर रहे हैं। हरियाणा में 25 सितंबर को शुरू होगी धान की खरीदी। इसके साथ ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने निर्देश देते हुए कहा कि किसानों की धान बिक्री के 48 घंटे तक उनका पेमेंट हो जाना चाहिए। नासिर जुनैद मामले में आरोपी मोनू मानेसर की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। बता दें कि मोनू को नूह पुलिस ने 12 सितंबर को नाटकीय अंदाज में गिरफ्तार किया था। वहीं अभी मोनू मानेसर न्यायिक हिरासत में राजस्थान के अजमेर जेल में बंद हैं। आज से 4 दिवसीय दौरे पर लंदन जाएंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां वे विभिन्न उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ बैठक करेंगे और उन्हें उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने का न्योता देंगे। आज हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार के खिलाफ भाजपा हिमाचल प्रदेश विधानसभा का घेराव करेगी और सुक्खू सरकार के 10 माह के कार्यकाल का जवाब मांगेगी। साथ ही महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। महिला आरक्षण विधेयक का श्रेय लेने में जुटी कांग्रेस। आज 25 शहरों में 25 महिला नेताएं गिनाएंगी बिल की कमियां। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज देश के प्रथम हरित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को दिल्ली में कर्तव्य पथ से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि राज्य के किसानों के नलकूपों का बिल राज्य की योगी सरकार भरेगी।
गुजरात के भुज में सीमा सुरक्षा बल ने शनिवार को एक पाकिस्तानी शख्स को गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक यह पाकिस्तानी शख्स अवैध रूप से सीमा पार करने की कोशिश कर रहा था, जिसे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार 30 वर्षीय महबूब अली पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बदीन जिले का रहने वाला बताया गया है। राजस्थान के दौसा में टेम्पो और बस की टक्कर में 5 लोगों की जान चली गई, वहीं 6 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि बस चालक मौके से फरार हो गया, जिसे पुलिस तलाश कर रही है। सुल्तानपुर IIM अध्यक्ष डॉक्टर AK सिंह ने डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्याकांड की निंदा की है और हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। उधर खसौली कला गांव पहुंचा चिकित्सक का शव तो ब्राह्मण समाज के तमाम लोग गांव में डेरा डालकर प्रशासन का विरोध कर रहे हैं और अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व CM कमलनाथ ने भाजपा द्वारा दिग्विजय सिंह को जन आक्रोश यात्रा से अलग करने के आरोप को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह खुद चाहते हैं कि यात्रा के लिए उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल ना किया जाए। हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव का शुभारम्भ किया, जहाँ पर्यटकों के बढ़ने की उम्मीद भी जताई। जम्मू वासियों को करतब दिखाकर लौटे सूर्य किरण विमान, अब प्रयागराज में दिखाएंगे जलवा। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय को न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और राजनीति में आ जाना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने आज शिवसेना के 54 विधायकों को सुनवाई के लिए हाजिर होने का नोटिस दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुटों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ दायर याचिका पर आज दोपहर 3 बजे कोर्ट में सुनवाई होगी। इसमें शिंदे गुट के 40 और ठाकरे गुट के 14 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस जारी किया है। महुआ के पनवारी में पूर्व माध्यमिक संविलियन विद्यालय चौका के ग्रामीणों में रोष व्याप्त है, जहां निपुण भारत कार्यक्रम की कार्यशाला के दौरान कलाकारों ने मौजूदा केंद्रीय नेतृत्व को अंधा और जिला प्रशासन को बहरा बताने के साथ नए शासन विरोधी गीत गाए। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एवं UP शासन की महत्वाकांक्षी शिक्षा योजनाओं में से एक है निपुण भारत अभियान। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।